राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में सर्जरी के लिए आएगा कम कीमत वाला रोबोट, जिसे आसानी से हो पाएगा गॉल ब्लैडर, हॉर्निया आदि समेत कई जटिल बीमारियों का इलाज। दरअसल आज विभाग का 111वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। उसमें विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अभिनव अरुण सोनकर ने यह जानकारी मीडिया बंधुओं के सामने साझा की। प्रोफेसर सोनकर ने बताया कि मुख्यतः एक रोबोट की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए तक होती है, लेकिन कई कंपनियां इसका इकोनॉमिकल मॉडल बनाती हैं जो कम कीमत पर मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोबोट को खरीदने के लिए विभाग विचार कर रहा है, जिनसे ऑपरेशन का खर्च तो कम होगा ही, साथ ही मरीजों को इलाज की आधुनिक सुविधा भी मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया, डीटी। ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।